टू बैनर्जी मंत्रा। दोस्तों नए रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ और वीडियो जो है वो इंट्रो के बाद शुरू होता है, तो जब तक इंट्रो मेरा देख लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। यूट्यूब के गलियारे में कभी कभी घूमना पड़ता है, घूमती हूँ क्योंकि रिएक्शन देना का काम है। पॉजिटिव रिएक्शन ही सही, लेकिन किसी को देखना होता है तब आप पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं या नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। तो जिनके ऊपर देखना होता है उन्हीं को हम लोग देखते हैं। तो कुछ दिन घूमने के बाद मुझे अचानक से कल परसों में नज़र पड़ी तो देखा कि 4 लाख की चोरी हो गई है। बताओ, घर से 4 लाख की चोरी हो गई है। अब हम सिर्फ व्यूवर से यह पूछना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ 4 लाख की क्या 2 लाख की भी चोरी होती है तो आप खुद शर्लॉक होम्स बनके CID बनके उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि आप फौरन 100 नंबर डायल करते हैं। अब 100 तो नहीं, 112 ही है, तो आप पहले 112 नंबर डायल करते हैं कि खुद शर्लॉक होम्स बनके दिन रात एक करके आप CID की तरह पूरी स्क्रिप्टेड कहानी बना के उसको चोरी का सामान भी बरामद कर लेते हैं, आपको सामान भी मिल जाता है और आप अपना वाहवाही भी लूट लेते हैं। कैसा होता है ये 4 लाख की चोरी, क्या आप लोग को समझ में आई? मैंने देखा है जब भी कुछ ब्लॉगर्स की उसमें आती है, व्यूज कम होने लगते हैं, व्यूज गिरने लगते हैं, तो कभी किसी की आग लग जाती है, कभी किसी की चोरी हो जाती है, कभी डकैती हो जाती है, कभी यह हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो इस तरह के प्रोपोगंडे अजमाए जाते हैं। ये ब्लॉगर्स का एक वो होता है कि इस तरह से, क्योंकि व्यूज आएंगे अचानक से, इस तरह के टाइटल डाले जाएंगे अचानक से, जब टाइटल ऐसे डाले जाएंगे तो लोग चौंक के अरे ऐसा हो गया और क्लिक करेंगे, और वो क्लिक करने के बाद वीडियो जितना ही सही देखेंगे, जब उनको आखिरी में जाके पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये ऐसा है, ये ढोंग है, ये झूठी चीज़ है, तो वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो व्यूज़ मिलने होते हैं वो ब्लॉगर्स को मिल चुके होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें YouTube पे इस समय आम हो गई हैं। अब लखनऊ औरत को देख लीजिए, लखनऊ औरत जो है उन्होंने 4 लाख की चोरी बताई। जब भी उन्होंने अपना वीडियो बताया, जब भी 4 लाख की चोरी बताई तो बड़ा हंस हंस के बताया, लग ही नहीं रहा था कि चोरी हुई है, क्योंकि अगर हम लोग क्या चोरी 1 लाख की, 50,000 की, 10,000 की भी हो जाती है तो हम लोग की रात को की नींद आराम हो जाती है, चेहरा उतर जाता है, किल्लस मचने लगती है कि हे भगवान कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, मैं रिपोर्ट लिखवाऊँ, मैं ये करूँ, वो चोरी छोड़ पकड़ा जाए, मेरा सामान मिल जाए, ना कि कैमरा उठा के हम उस पर ब्लॉगिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात यही आती है, क्या ऐसी हालात में कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करना हम लोग को याद रहेगा? हम लोग का कोई अपना अगर हॉस्पिटलाइज है, हम लोग का बच्चा भी कोई हॉस्पिटलाइज है, कुछ भी है, तो क्या हम वहाँ जाके ब्लॉगिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो डेली ब्लॉगर्स हैं, जो भी डेली ब्लॉगर्स हैं, वो इन सब चीज़ों में सक्षम है और बिल्कुल एक्टिव है, दुनिया जाए भाड़ में उनकी ब्लॉगिंग जो है वो चालू रहती है। तो इस पे अगर बात की जाए तो ये 4 लाख की चोरी हम लोग को समझ में नहीं आई, गले से नहीं उतरी, और उन्होंने स्क्रिप्टेड दो पहले वीडियो में कुछ नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिश्तेदारों को बदनाम करना तो आम बात हो गई है, जो यूट्यूबर्स हैं वो रिश्तेदारों को बदनाम करना तो आम बात हो गई है, ससुराल को बदनाम कर दो, मैकर को बदनाम कर दो, इसको बदनाम कर दो, उसको बदनाम कर दो, पूरा खानदान बदनाम कर दो, अब तो चोरी के इल्जाम भी रिश्तेदारों पर लगाने चालू हो गए हैं। तो पूरी स्क्रिप्टेड कहानी आधी जब सुनी गई आधी, तो उसमें कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं निकला, और साफ पता चला कि ऐसा कुछ वो नहीं है। दूसरी जब आई उन्होंने पूरी कहानी बताई, दूसरी वीडियो पे पूरी कहानी दे बताई, आज ही तो बताई, आज या कल में, तो पता चला कि 4 लाख की जो चोरी हुई थी, 4 लाख की चोरी जो जेवर हुआ था वो एक टेटेरी डिब्बे में हुआ था, ऐसा एक छोटा सा डिब्बा लेके टेटेरी डिब्बा, उसमें चोरी 4 लाख के जेवर थे, 4 लाख के जेवर कितने से, इतना बड़ा जितना बड़ा सिंदूरदानी नहीं होती है, आप जाइए मार्केट में तो ऐसे आपको एल्युमिनियम स्टील की इतनी बड़ी बड़ी सिंदूरदानी मिलेगी, बस उतनी बड़े डिब्बे में 4 लाख का जेवर था। अब वो बहन जी जो है वो तो अपना 4 लाख के जेवर का चिल्ला चिल्ला के अपना बवंडा मचा ही रही थी और बता ही रही थी, चिल्ला के रोना चिकना नहीं मचा रही थी, लेकिन वो स्क्रिप्टेड अपनी पूरी स्क्रिप्ट स्टोरी बता ही रही थी। भाभी और उसके रिश्तेदार, उन्होंने सबको कटघरे पर खड़ा ही कर दिया था, वो भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस चीज़ को कटघरे पे खड़ा ही कर दिया है, रिवील किया, लेकिन असली क्या हुई ये नहीं बताया। अब बात आती है चोरी के सामान की, 4 लाख की चोरी जो होती है, जो 4 लाख का जेवर होता है वो 31 डिब्बे में, क्योंकि डेली वाली यूज़ का नहीं होता, जैसे मंगलसूत्र है, चेन है, टप्स है, तो डेली वाली जो भी चीज़ होती है वो 31 डिब्बे में रख के अलमारी में रखा हुआ था, वो चोरी हुआ इन्होंने बताया। तो जब डिब्बे से सामान निकला
तो पहले स्टोरी देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया था कि इनके घर में पार्टी थी जो कि 11:30 बजे तक रात की चली है। उसमें इनको शगुन के लिफाफे देने थे। ये ऊपर गया अलमारी खोली, छोटूमल जी अलमारी खोली और उसमें से जब उन्होंने शगुन के लिफाफे निकाले तो उसमें से किस पर्स खुला पाया। जब इनको बुलाया आ जाओ, देखो चोरी हुई है, तो फिर ये दौड़ दौड़ के ऊपर पहुंची। तब इन्होंने देखा कि मेरा तो चरना वाला जेवर का डिब्बा गायब है। अब वो डिब्बा इतनी बड़ी डिब्बी, तो इसको रोको, फोन करना, भाभी के साथ जो आए थे उनको फोन करना, मतलब कुल मिला के अपने जान पहचान वालों को ही ब्लेम करना, पूरा वो हो गया। ये एक स्टोरी इन्होंने बताई। तो इसके बाद जो है इन्होंने बताया किस तरह से स्कूटी के नीचे से पागान से कैश निकला, जब वहीं से कैश निकला, इसी से निकला, तो इसी से जेवर निकले और इनको वो जेवर मिल गया। जब जेवर मिल गया तो इन्होंने ब्लॉगिंग तो छोड़ी नहीं, ब्लॉगिंग में इन्होंने दिखाया कि वो जेवर क्या मिले। अब इतनी सी डिब्बे में उलझे मुलझे गुटूले बने हुए मंगलसूत्र, एक टप्स उन्होंने दिखाया, एक बड़ा सा टप्स इतना बड़ा दिखाया, एक छोटा टप्स दिखाया, चेन दिखाई, छोटूमल की एक चेन दिखाई, चेन की भी असलियत बताएंगे, छोटूमल की एक चेन दिखाई, अपने मंगलसूत्र दिखाया, एक बिंदी बिंदी हुए बॉल्स लगे हुए मंगलसूत्र, वो वैसा वाला मंगलसूत्र नहीं है। उन्होंने खुद ही उसको रिवील किया कि अगर अभी खरीदने जाओ तो 30,000 का बनता है। मुश्किल से 4 या 5 आइटम थे उसमें, इतनी सी डिब्बी में आप समझ लीजिए कितना आइटम हुआ। एक चेन थी, 2 मंगलसूत्र थे, 2 टक्स थे, इसके अलावा कोई छठी चीज़ नहीं थी। अब अगर 30,000 की चेन मान लीजिए, उन्होंने मंगलसूत्र मान लीजिए, दूसरा उससे छोटा कम मंगलसूत्र था वो भी 20,000 का मान लीजिए, चेन जो थी वो भी हम गिरी हालत में उनकी 50,000, 60,000, 70,000 की मान लेते, लेकिन वो चेन असली नहीं थी, ये तो पहले ही प्रूफ हो चुका था जब उन्होंने इस चेन को व्लॉगिंग में दिखाया था लेने का, खरीदने का। तो उसके बाद जो है 2 टप्स हो जाते हैं, हम 30,000, 50,000 के वो भी मान लेते, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख कहाँ से। 4 लाख का जेवर अगर किसी के पास होता है या वो तो होता है तो एक तो उसके होश हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है, दूसरी चीज़ वो एक डिब्बे में होता है। 4 लाख का जेवर अच्छा खासा होता है। आप घुटन वुटन मिला के 2 चेन और 2 छोटे-छोटे दाने वाले मंगलसूत्र में आप 4 लाख के जेवर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये इनकी व्लॉगिंग, क्योंकि इनको व्लॉगिंग भी करनी है और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करनी है, और अचानक से अरे एक्सक्लेमेटरी जो भाव होता है वो भी इनको लाना है, तो इस तरह से इन्होंने क्लिकबेट टाइटल से और स्क्रिप्टेड स्टोरी से अपनी चोरी की स्टोरी सुना दी। क्या वो इतने सब्सक्राइबर्स के गले उतरा, क्या वो हम लोग के गले उतरेगा? दोस्तों रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है? सच्चाई सामने लाना। हम कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देते हैं, ना ही देंगे, कभी किसी को गलत बोल के या दुख भर, मतलब गलत क्या, वो गलत ही करेगा तो गलत बताएंगे, लेकिन दुख वाली बात बोल के दिल दुखा के ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हरकतें करता है कोई ब्लॉगर, तो हम उसकी सच्चाई आपके सामने ज़रूर लाते हैं, और वो भी अपलोडेड, जो जो 2 वीडियोज़ अपलोड हुई चोरी के नाम पर, उस पर मैंने वीडियोज़ बनाए, बस उसी पर उतना ही कंटेंट उठाया, उसको आपके सामने लाया कि इसके पीछे की यह स्टोरी हो सकती है और इस तरह से ये कही गई है। क्योंकि आम इंसान चोरी होता है तो 100 नंबर डायल करता है, कंप्लेन करता है, FIR करता है, अज्ञात के खिलाफ, चोरों के खिलाफ FIR करता है, अपनी व्लॉगिंग नहीं करता है, शेरलॉक होम्स या CID बन के अपनी CID डिग्री नहीं करता है, तहकात नहीं करता है, अपने ही डिब्बे मिल गई, अपना ही सब कुछ हो गया, तो ये स्टोरी हजम नहीं होती है। अगर आप लोग को ये स्टोरी हजम होती है, इस स्टोरी के पीछे और कोई कहानी आपको लगती है या कुछ भी बात लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत करिएगा किसी भी यूट्यूबर्स के विषय में या किसी भी सब्सक्राइबर्स के विषय में, कोई बात मत करिएगा क्योंकि मैं अप्रूव नहीं करूँगी। सीधे मेरे कंटेंट, मेरे वीडियो के रिलेटेड कोई भी बात हो तो ज़रूर कहिए, मैं एक्सेप्ट करूँगी, उसका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद अदा करते हैं।